हाँ तो गाइस अपना मोबाइल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़की की जो कि आया है गुजरात के खूंखार जंगलों में से पसार होके। गुजरात के इन घने जंगलों की खासियत ये है कि इन जंगलों में, अरे भाई रुको, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जंगल नहीं है, ये तो किसी का बाड़ा है जिसके अंदर किसी ने सब्जियां उगाई है। देख मेरा बहन, अभी मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, वरना मैं तुझे मेरे बीच में बोलने के लिए ऐसी ऐसी गालियां देता कि तू सुन नहीं पाता। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था एक ऐसे लड़की की जो कि आया है गुजरात के घने जंगलों में से पसार होके उसके गाँव की खूंखार गलियों में से, जहाँ पे शेर खुले आम घूमते हैं, और उसका नाम है वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम पास कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगा। तो गाइस मैंने परसों एक पोस्ट डाला था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं हमारी चैनल के अंदर कुछ नया वीडियो लाने वाला हूँ। यार इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पे हमारे वीडियोस बनाता हूँ। यार इस वाले सीन को देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस वाले सीन को मुझे ढक देना चाहिए। फिर जाके मुझे फिर से लगा कि इस वाले सीन को मैं ऐसा रखूंगा तो ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। और हाँ, एक और बात गाइस, कि अभी दोपहर के 3 बज रहे और मैं यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप मेरा पसीना देख सकते हो, नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे पास DSLR का कैमरा या फिर कैनन का कैमरा नहीं है जो कि इतना ज्यादा कैप्चर कर पाए। मैं अपने मोबाइल के कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यार इसी बात पे वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। गाइस तो ये जो आप कसरा देख रहे हो, ये मेरे लिए कसरा नहीं है, मेरा पूरा का पूरा स्टूडियो है जहाँ पे मैं बैठकर अपने वीडियो को एडिटिंग करता हूँ। तो गाइस आप देख ही सकते हो कि मैं इन सारी चीजों को अपने स्टूडियो को जैसे यूज करता हूँ, यानी कि सारे मेस को अपने स्टूडियो की तरीके में यूज करता हूँ और इसी से अपने वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। और हाँ गाइस, मैं आपको अपना वीडियो शूट करने का रूटीन भी बताना चाहता हूँ, यानी कि मैं रोज 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वॉइस ओवर करता हूँ, और उसके बाद 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वॉइस ओवर करता हूँ, और आखिर में 8 से 9 बजे तक एडिटिंग करता हूँ। और आप इस वाले कैन को देख रहे हो, तो यार इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है। तो यार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एनर्जी ड्रिंक, जिसे पीकर मुझे पंख आ जाते हैं, मैं उड़ने लगता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे घर का वो हिस्सा जहाँ पे सारी चीजें जो कि फेंक देनी चाहिए वो अभी तक नहीं फेंकी गई, वो यहाँ पे आके रख दी जाती है। और हाँ गाइस, आपने मेरे कई वीडियोस के अंदर देखा होगा कि उनके अंदर कुदरती आवाजों का मिश्रण हो जाता है, तो यार इनका कारण है सारी चीजें। हाँ, मैं इन्हीं पेड्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि ट्रीज जिसके ऊपर इतनी सारी सीढ़ी आके बैठ की है कि मुझे लगता है कि मैं जंगल के अंदर बैठा हूँ, और इन्हीं के कारण से मुझे कभी भी मेडिटेशन करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। और हमारे एक और शिप गेस्ट यानी कि कुत्ते लोग, जिनका बेहद खूबसूरत आवाज मेरे वीडियोस के अंदर आ ही जाता है। तो गाइस इन्हीं सारी परेशानियों के बीच में मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी से वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं आ पाती क्योंकि आपने मेरे गली के गली गैंग को अभी तक नहीं देखा। अगर आपने उनको देख लिया तो आपको भगवान ऊपर से विश्वास उड़ जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर उनके तरफ से आज तक कसरे से लेकर पत्थर तक सभी का प्रहार हो चुका है। ओके, तो गाइस मेरे बिना स्टूडियो के स्टूडियो का टूर खत्म हो चुका है, इससे ज्यादा दिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। इसी बात पे आज के वीडियो यहीं तक ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू लेटर। नहीं यार रुको, मुझे एक और बात आपको कहनी है कि जो COVID-19 की बीमारी चल रही है उसके अंदर प्लीज अपना और अपने परिवार का बहुत 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 ध्यान रखेगा, क्योंकि यार ये वाली बीमारी में बहुत ज्यादा लोग अपने जान गवा बैठे है, और यार आप हो तो मैं हूँ। तो यार इसी बात पे प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू लेटर।